जय हिंद दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 10-12 2023 का इंतजार करते हैं लाखों अभ्यर्थियों के लिए। ये वीडियो एक बड़ी वीडियो होने वाली है, एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ऐसी सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अपने रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और भ्रमित खबरों से परेशान है। ऐसे में एकदम सटीक जानकारी सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट की आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है 10वीं 12वीं को रिजल्ट को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है, एक बड़ी घोषणा जो आधिकारिक वेबसाइट पर की गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि इस बार 5% जो है वो बदला जा रहा है। ऐसे में ये खबर भी निराधार बताई गई है क्योंकि 33% ही आपका 5% बताया गया। आप फालतू की जो ऐसी भ्रमित खबरें होती हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5% को बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया है, इनसे आप बच के रहिए। आपका 5% किसी भी सब्जेक्ट का अभी भी 33% ही माना जाएगा। सीबीएसई बोर्ड जल्द ही रिजल्ट जारी करने को लेकर एक बड़ी अपडेट डिक्लेयर करने जा रहा है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजल्ट जारी करने को लेकर साफ तौर पर कहा है कि रिजल्ट जो है वो मई के 3rd week में आने की बात कही जा रही है। ऐसे में 15 मई के आसपास आपका रिजल्ट जो है 15 से 20 के बीच में आ जाएगा। 10 मई को जो रिजल्ट जारी करने को लेकर डिक्लेरेशन किया जा रहा है उसको लेकर कहीं भी कोई पुष्टि नहीं की गई है और साफ तौर पे कह दिया गया है कि 10 मई को रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट 10 मई को नहीं आएगा पर रिजल्ट जो है 2nd to 3rd week ऑफ मई, या तो एंड ऑफ 2nd week या स्टार्टिंग ऑफ 3rd week ऑफ मई जो है आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप अपना रिजल्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो एकदम ऑफिशियल ऐप जो आपका रिजल्ट आपको सिर्फ आपके नाम से दिखा देगा। बड़ी समस्या आ रही है कि मैम हमारे पास तो हमारा एडमिट कार्ड नहीं है और 3 साल से सबसे पहले रिजल्ट देता हुआ रहा ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर आप सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2023 लिखते ही डाउनलोड कर देंगे। आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, परंतु आपको ये वाला जो साइन है ना, इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। और आपकी सुविधा के लिए इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, वहां से भी डायरेक्ट जाके आप इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, नीचे 5-star रेटिंग और प्यारा सा कमेंट इस एप्लीकेशन के लिए आप जरूर छोड़ देना। अब इतना करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और बहुत सिंपल है यार, 10th और 12th जैसे ही रिजल्ट लाइव आएगा ये लिंक आपके सामने एक्टिव हो जाएंगे और आप सबसे पहले अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उनके ट्विटर अकाउंट पर यह अपडेट दी गई। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ऐसी और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा के रखना, क्योंकि तभी आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।